और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मेरे लिए विशेष खुशी की बात है कि मुझे इन प्रबुद्ध जनों के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। क्या तकलीफ क्या है वहां? ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए। कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए। क्रॉस करा दीजिए। एसपीजी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। कैमरा वाले आगे आ जाइए भाई। साहब, किसी को पीछे दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। केबल तो नीचे से ही जाएगी। ये कैमरा वाले इधर आ जाए, अंदर आ जाए भाई। कैमरा वाले अंदर आ जाए। कैमरा वालों को आने दीजिए, जल्दी से जल्दी। मोबाइल कैमरा वाले नहीं भाई, मीडिया वाले है, उनकी बात है। अब बाकी लोग जो मंच पर बैठे हैं, अगर एक नीचे उतर जाए क्योंकि वो पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं दिल्ली में रहता हूं तब भी आपकी तकलीफ का मुझे तुरंत पता चल जाता है। अभी आपकी क्या तकलीफ थी तो मुझे तुरंत समझ आ गया है कि आपकी तकलीफ है। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसलिए राजनीतिक दल, उम्मीदवार, मीडिया, ये सब उनके ही दायरे में चुनाव बना रहे। मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। हर नागरिक का उसमें कोई न कोई हिस्सा होना चाहिए।
उसकी भागीदारी होनी चाहिए और वोट देने से पहले उसे सारी परिस्थितियों की जानकारी हो, उसमें से क्या चुनना क्या नहीं चुनना, नागरिक को अवसर हो, ये बहुत आवश्यक होगा। और इसलिए राजनीतिक दलों का ये विशेष कर्तव्य रहता है कि समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंच करके अपनी बात विस्तार से रखें, हकीकतों के आधार पर रखें, तर्कबद्ध तरीके से रखें और एक प्रकार से चुनाव लोकतंत्र में लोक शिक्षण का एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में उसको मनाना चाहिए। मेरी भी कोशिश है कि जन सामान्य को जोड़ करके देश चलाना, जन भागीदारी से देश चलाना, विकास जब तक आंदोलन नहीं बनता है, जन आंदोलन नहीं बनता है, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में विकास का मतलब ये हो गया कि जैसे ही सरकार का काम है कि सरकार करेगी और उसके कारण शासन और जनता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई और धीरे धीरे करके स्थिति यह बन गई कि जैसे वो वोट देता है तो जैसे वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है कि लो भाई ये तुमको वोट दिया तुमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 5 साल कुछ करके देना, अगर नहीं करोगे 5 साल के बाद दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग राजनीतिक दलों ने किया है, राजनेताओं ने किया है। अब जैसे यहां सपा को मालूम है, बसपा को मालूम है, अच्छा 5 साल हमारी बारी है, हम मौज करेंगे, आज 5 साल यही विशेष चक्र चल पड़ा है, उसमें से बाहर आना पड़ेगा। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। आज देश उस जमाने का नहीं है जब नेहरू वगैरह थे कि पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी थी और 20-25 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था, मीडिया भी नहीं था, सब ऐसे ही चलता था, वो जो चाहे वो होता था। आज सभी राजनीतिक दलों की कहीं कहीं सरकारें हैं, हर किसी को शासन में सेवा करने का अवसर मिल चुका है। ऐसे समय प्रबुद्ध नागरिक बने, अब समय आ गया है कि मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई कौन सी विचारधारा, कौन सी कार्यशैली, कौन सी कार्य संस्कृति, किस प्रकार के लोग देश को सचमुच में कुछ दे रहे हैं, ये लेखा जोखा करना चाहिए। आपने देखा होगा एक हमारे देश में साम्यवादियों की सरकार देश ने देखी पश्चिम बंगाल में, आज वहां गरीबी, कानून व्यवस्था का अभाव, ये जितनी बुराइयां सार्वजनिक जीवन में आप कहें
को घर कर गई। देश ने कांग्रेस पार्टी को देखा, हम कहां पहुंचे हैं कहने की जरूरत नहीं है। क्या हाल होता क्या हाल है, इतने लंबे अरसे तक एक दल सरकार चलाने के बाद भी कहां खड़े। कुछ पारिवारिक पार्टी आपने देखी होगी जहां परिवार चलाते हैं पार्टियां, उन्होंने भी क्या किया है आपने तो सुना है। हर प्रकार के मॉडल देश देख चुका है। अब उन सबके अनुभव के आधार पर तय करिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। आप देखिए मध्य प्रदेश, आज हिंदुस्तान में एक जमाना था मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में उसकी गिनती होती थी, आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला राज्य बन गया और ये भाजपा की सरकार के कारण में हुआ। पहले जितनी इरिगेशन की व्यवस्था थी उससे अनेक गुना इरिगेशन की व्यवस्था बना दी। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली गांव में भी पहुंची है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अभी अभी मौका मिला है, सिर्फ 2.5 साल हुआ, लेकिन 2.5 साल में उन्होंने इतना विश्वास प्राप्त किया है और खास करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और जहां पर किसान आत्महत्या करते हैं थे उस इलाके में कृषि के क्षेत्र में 16 पंप का एक मूवमेंट चलाया, जल संचय का एक मूवमेंट चलाया और उन्होंने उस सूखे इलाके में भी नई आशा पैदा कर दी। छत्तीसगढ़, नक्सलवाद हत्याएं चलती रहती, उसके बाद भी पिछले 12-13 साल से लोगों ने बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया। आज छत्तीसगढ़ रोने वाले राज्यों में नहीं है, विकास अपने पैरों पर खड़े हुए लोग। आप जाकर के नया रायपुर देखिए, बीजेपी सरकार बनने के बाद खेत के अंदर जमीन लेकर के पूरा एक नया शहर बनाया। आज हिंदुस्तान शाम से जिसका उल्लेख कर सके ऐसा नया रायपुर हो रहा है, आप देख सकते हैं जाकर के। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल जहां जहां भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला है उसने विकास की नई ऊंचाइयों को पार की है। और उसका एक मुख्य कारण है, नीतियां तो है ही है, योजनाएं हैं, ईमानदारी से काम करने का प्रयास है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो जन भागीदारी से सरकार चलाने के प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं जन भागीदारी कहता हूं तो मैं समझाना चाहूंगा, हमारे देश में आजादी के लिए मर मिटने वालों की कभी कमी नहीं रही। जितने साल देश गुलाम रहा उतने साल पराक्रमी लोगों ने पराक्रम भी किए। हर किसी ने अपने अपने कालखंड में भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ज्यादातर हम लोगों को 1857 के बाद की ज्यादा याद है, 1857 के बाद भी देखें कितने वीर लोग पैदा हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदनलाल सिन्हा, एक के बाद एक फांसी के तट पर चढ़ गए। वे भी देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे, यहां बलिदान में कोई कमी नहीं थी। लेकिन गांधी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था,
वीर शहादत की परंपरा होने के बावजूद भी देश को आजादी के फल चखने को नहीं मिल रहा है। गांधी ने क्या किया, आजादी को जन आंदोलन बना दिया। फांसी के तख्त पर चढ़कर के अजय ना मिलती है, ऐसा नहीं है, कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कोई सफाई का काम करेगा तो भी वो आजादी का लड़ैया है, कोई खादी का काम करेगा तो भी आजादी का लड़ैया है, कोई प्रौढ़ शिक्षा का काम करेगा तो भी वो आजादी का सैनिक है। उन्होंने हर प्रकार के काम को आजादी के साथ जोड़ दिया और देखते ही देखते इतना फैल गया कि अंग्रेजों को समझ नहीं आया कि इनके साथ कारोबार कैसे करें। जन आंदोलन में परिवर्तन, भारत को भी विकास करना है तो विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। सरकार कुछ काम करे, जन आंदोलन बनता है। मान लीजिए जन आंदोलन बन गया भाई, सभी शिक्षक मिलकर के तय करेंगे कि अब हमारे क्लास में जो बच्चा आएगा जरा भी पढ़ने में पीछे नहीं जाएगा। एक बार ये जन आंदोलन खड़ा हो जाए तो हमें गिनने पड़ेंगे क्या, कितने स्कूल बनी, कितने नहीं बनी, कितने टीचर आए, कितने नहीं आए। अपने आप में देश की शिक्षा में सुधार होगा कि नहीं होगा, देश के सम्मान में मान भी तय करेंगे। मैं गंदगी नहीं करूंगा तो स्वच्छता के लिए कोई अफसर रखने पड़ेंगे क्या। अगर नागरिक तय करेंगे मैं ट्रैफिक के नियम का पालन करूंगा तो पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी क्या। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जन सामान्य को साथ लेकर के आंदोलन करना। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने सपना देखा, ओपन डेप्यूटेशन फ्री। आज देश में 500 शहर आगे आए, उन्होंने एक के बाद योजना की, पायलट बनाए, व्यवस्थाएं खड़ी की। 500 शहर ने घोषित किया है उनके यहां खुले में शौच नहीं जाता कोई। ये जन आंदोलन बना, ये जन आंदोलन बना। ये दुर्भाग्य है कि उसमें काशी उत्तर प्रदेश का एक भी नगर नहीं है, एक भी नहीं। 500 पर हिंदुस्तान के 500 शहरों ने कहा कि हमारे यहां कोई खुले में शौच नहीं जाता, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर देश के अन्य शहरों में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और इसलिए गुड गवर्नेंस ये बहुत आवश्यक होता है। पैसे होने के बाद भी काम हो जाता है ऐसा नहीं है। आप एक अच्छा बस स्टेशन बना लो, इतने से काम बनता नहीं है। बस समय पे आती है कि नहीं है, कंडक्टर ड्राइवर ठीक व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं, साफ सफाई रहती नहीं रहती है, समय पर बस चलती है नहीं चलती है। इन चीजों को बल देंगे गुड गवर्नेंस की जरूरत है, लेकिन हमारे देश में इन बातों का बल नहीं दिया जा रहा है। जब से दिल्ली में हम सरकार में बैठे हैं और मेरे गुजरात का अनुभव है लंबा मेरा, जहां जहां हम लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि जन सामान्य से जुड़े रहना, उनकी समस्याओं को समझना, उनको साथ लेकर के समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोजना और समय सीमा में पूरा करना। जब मैं प्रधानमंत्री बना तो अलग अलग डिपार्टमेंट की मैं मीटिंग लेता था। मैंने पूछा भाई बिजली वालों को, तो बोले 18,000 गांव ऐसे हैं कि जो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 21वीं शताब्दी में 18,000 गांव मेरे देश में ऐसे हो कि जहां बिजली का खंभा तक न पहुंचा हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। मैंने 18 की मीटिंग लेकर तय किया, मैंने 18 की मीटिंग लेकर तय किया कि बताओ भाई कितने समय में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाएंगे। अब तो लोगों ने कहा इतना ही जोर लगाए
सात साल से दस साल का समय लगेगा। तो हम कहे तो यहां बैठे हैं भाई। हम मैंने इधर से पूछा कि लेकिन उनका कोई उनको लगता ना नहीं साझे तो बहुत खापा लिखे मैंने लाल किले पर से बोल दिया कि हम 1000 दिन में 18000 गांव में बिजली पहुंचा। हमने मंथली रिव्यू लेता हूं बताओ भाई। और हमने तो मोबाइल ऐप बनाई है कि आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हो कि कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं थी, खंभा कहां पहुंचा, तार कहां लगा, बिजली कहां पहुंची, पूरा हिसाब कोई भी नागरिक देख सकता है। इसको कोई भी नागरिक देखता है अपने मोबाइल फोन पर। ट्रांसपेरेंसी आई थी उसमें 1500 गांव तो उत्तर प्रदेश के रूप में बताइए 1500 गांव। और मुझे खुशी है कि करीब करीब 95% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। अभी 1000 दिन होना तो बहुत बाकी है। अब तक 95% गांवों में बिजली पहुंच गई है। 5% जो बाकी है वहां भी काम तेजी से चल रहा है। समस्या को इंक्रीमेंटल सुधार तिरप नहीं है हमारे देश में। एक चीज पकड़ो उसको पूरा करो भाई, फिर दूसरा उठाओ उसको पूरा, ये करना पड़ेगा। हमने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया, करीब 4 करोड़ टॉयलेट बनाए। काम करने का हमारा तरीका देख लिया। एक जमाना था कि एमपी को 25 गैस की कूपन मिलती थी और पार्लियामेंट का मेंबर वो अपने कार्यकर्ताओं को या परिचितों को कूपन देता था तो उसको गैस का कनेक्शन मिलता था। तो एमपी के घर के बाहर लोग चक्कर काटते थे कि हमें भी आप गैस का कूपन दे दीजिए, और वो एमपी भी अगले महीने आना, कल आना, परसों आना, देखते हैं, सुनते हैं, अभी नहीं है। और उनके जो चेहरे चपाले थे वो पिछले दरवाजे से मैसेज देते थे कूपन तो दे सकते हैं, इंतजाम देना पड़ेगा। अखबारों में छपता था काले भिखारी में कूपन दिखते थे। एक बहुत कल्चर था। हमने तय किया कि गरीब मां को मुझे लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्त करना है और मैंने बीड़ा उठाया है। 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंचा देंगे। और पहुंचा देंगे इतना नहीं, अभी उस योजना को 1 साल में नहीं हुआ है, अब तक करीब करीब 1,80,00,000 परिवारों में गैस का सिलेंडर पहुंच गया, गैस का चूल्हा पहुंच गया, गैस का कनेक्शन लग गया। ये फर्क जब आप इस फर्क को समझोगे तो आपको अंदाज आएगा कि हम काम किस लेवल पर करना चाहते हैं। पहले दिन में हमारे देश में अगर 3 किलोमीटर रोड बनता था तो आज हम उसको 13 किलोमीटर तक पहुंचा ले गए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां विकास न होता। ये बात सही है कि कटका इतना जबरदस्त है, बैठा इतना जबरदस्त है, भरते भरते ही दम उखड़ जाता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहना चाहता हूं, 27 साल यूपी बिहार की आपने सुना है, अब इनके नए साथी बने हैं, लेकिन ये काशी की धरती है, कबीरदास की धरती है। संत कबीर ने बड़ी मजेदार बात कही है, उससे बड़ा भली भांति हम समझ पाएंगे ये नई दोस्ती क्या है। संत कबीरदास ने कहा है, स्वार्थ को स्वार्थ मिले, पड़ी पड़ी लुम्बा बुम्ब, स्वार्थ को स्वार्थ मिले, पड़ी पड़ी लुम्बा बुम्ब, निष्प्रे ही निराधार को कोयल राखे जुम। जब स्वार्थी को स्वार्थी मिल जाता है, अर्थात दो स्वार्थी जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के अति प्रशंसा करते हैं,
आप भी बोले, आप भी बोले, आप महीने भर से जेल में किंतु जो निस्वार्थ लोग होते हैं निस्प्रे ही निराधार को पड़ी कोई न राके जुम्म, किंतु जो निस्वार्थ लोग होते हैं जिनके मन में सेवा भावना होती है उनसे स्वार्थी लोगों की नहीं बनती है, इसलिए ऐसे लोग स्वार्थी लोगों को नहीं भाते हैं। संत कबीरदास ने इस समय सब कह के रखा हुआ था, अब हम भूल जाए तो नहीं चलता है। संत कबीरदास ने आगे भी कहा इसमें, अब नाम कोई नाम नाम से न जुड़े मैं कह रहा हूं, संत कबीरदास ने कहा माया को माया मिले, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निष्प्रे ही निराधार को गाहक दीनाना। माया के लोभी जब आपस में मिलते हैं तो बाहों में बाहें डालकर बहुत कहां से मिलते हैं, परंतु निस्वार्थ लोग इस बात की परवाह नहीं करते। आइए बहनों, संत कबीरदास इस मिलन को पहले कह चुके हैं कि मिलन किस बात का है, कैसे लोग मिले हैं और वो आप क्या करेंगे इसका भली भांति हम अंदाज कर सकते हैं। मैं आज काशी में जन दर्शन के लिए निकला था, मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव था। काशीवासियों ने ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसे आशीर्वाद दिए और इसलिए मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, लेकिन मैं आप सबने मुझ पर जो भरोसा रखा है, आप सबने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरी पार्टी को जो ताकत दी है, हम सेवा करके अपनी जिम्मेवारियों को निभा करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके आपके जो आशीर्वाद है, आपके जो सहयोग है, इसको धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी आप सबके लिए भी गुजारिश है, वोट किसको भी मिले लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में मतदान ज्यादा हो ये बहुत आवश्यक है। मतदान का एक माहौल बनना चाहिए, मतदान का एक यानी एक जीवन वाला गर्व होना चाहिए, मतदान की ताकत समझनी चाहिए। जब हर नागरिक अपने वोट की ताकत समझता है बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और मैं काशीवासियों से चाहूंगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और इतना भारी मतदान कीजिए, नए रिकॉर्ड स्थापित कर दीजिए, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। 10 बजे कानून समाप्त करना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरी वाणी को विराम देना पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। मित्रों, एक बड़ी तालियों के साथ मोदी जी का धन्यवाद दीजिए। आप सबको धन्यवाद। 8 तारीख को सब वोट करने जाएं, 11 तारीख को होली और विजय दिवस एक साथ मनाएं। अमित शाह जी, माथुर जी, अध्यक्ष हमारे मौर्य जी, सबको
इतने समय के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद।